हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली टीचर्स के लिए है, और मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे टीचर्स हैं, एडुकेटर्स हैं, ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर ग्लोब, पूरी दुनिया में, फॉर देम आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि जो न्यू यूथ है, जो अब टीचर बन रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले 25 साल से एजुकेशन में रहा हूँ, और जितना भी मेरा तजुर्बा है वो मैं सारा का सारा तजुर्बा जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। और यूँ कहें कि जितना ज्ञान बोलते बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ता है। तो जितना मेरे को नॉलेज है वो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिले, आप ज़िंदगी में कामयाब बनो, और आपको जो जो भी मुश्किलें आती हैं या आ रही हैं उसमें मैं कहीं ना कहीं आप लोगों की मदद, आपकी हेल्प कर सकूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है 7 टिप्स टू बिकम अ गुड टीचर। वो कुछ सात कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या सात से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम 7 मैं आप लोगों को टिप्स जरूर दूंगा कि एक अच्छे टीचर आप कैसे बन सकते हैं। अच्छे टीचर बनने के लिए सबसे पहले हमें डिग्री की जरूरत होती है। अच्छे टीचर नहीं, टीचर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, डिग्री सबके पास है आज की डेट में। और मैं यूं भी कहूँगा कि मैक्सिमम जितने भी मेरे एडुकेटर्स हैं उनका सी टेट, टेट ये सब क्लियर है, ऑलमोस्ट लोगों का। और जिनका नहीं भी क्लियर है वो क्लियर कर ही जाएंगे। तो एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल ओके हो। अब दिक्कत है जब हम प्राइवेट स्कूल में जॉब करना चाहते हैं। मैं सरकारी जॉब्स के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन जब प्राइवेट जॉब्स के लिए हम जाते हैं तो 2 से 3 चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा मुश्किल में हमें डाल देती हैं। पहला कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, ठीक है। और वहाँ पे अगर हमारी एंट्री हो गई बाई चांस, हमें जॉब मिल गई, तो अब पढ़ाते वक्त हम लोगों को कई बार दिक्कत आती है। और जब पढ़ाते वक्त हम लोगों को दिक्कतें आती हैं तो हम उन मुश्किलों को, उन परेशानियों को, उन चीज़ों को कैसे रेक्टिफाई करें, मतलब उनसे कैसे बाहर निकल के आएं ताकि हम अच्छे टीचर बन सकें, हमें पेरेंट्स, बच्चे बोल सकें ये हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, पेरेंट्स बोलें आपके स्कूल में बहुत अच्छे टीचर आए हैं, मैनेजमेंट खुश होकर के आपको बोलो आप बहुत अच्छे टीचर हो, और आपके मन से भी आवाज़ आए मैं एक अच्छा टीचर हूँ, खुशी मिलती है। ये एक रिवॉर्ड होता है, ये इमोशंस होते हैं जो हमें खुशी देते हैं। जैसे कि हम किसी को बोलें अरे बहुत बढ़िया, आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भाई, ठीक है, तो वो बड़ा आपसे थैंक यू करेगा आपको कि थैंक यू आप अप्रिसिएशन के लिए। लेकिन अगर आप किसी को बोलोगे कि यार आप कुछ खास नहीं कर रहे हो, आप में वो बात नहीं है, तो वो चीज़ उसको डीमोटिवेट करेगी, निराशाजनक बनाएगी। जिंदगी में 2 ही चीज़ें होती हैं, आशा और निराशा। तो आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ मैं आपके लिए यहाँ पे कि आप लोगों का काम बने, भला बने। तो 7 टिप्स टू बिकम अ गुड टीचर। सबसे पहले पढ़ाने की जो कला है वो क्या होती है, मैं अपना आपको तजुर्बा बाद में जरूर शेयर करूंगा। कुछ वीडियोस में मैं छोटे छोटे एपिसोड आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले तो आज 7 टिप्स टू बिकम अ गुड टीचर, हाउ टू टीच स्टूडेंट्स इन ए क्लास, पढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और तीसरा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। इन ये सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएं और पढ़ाते समय कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहला पॉइंट होता है कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज। दोस्तों, जब भी आप स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो बस ऐसे मत, कभी नहीं घबराना नहीं है, पता नहीं बच्चे मेरे बारे में क्या बोलेंगे, पता नहीं मुझे आज पहला दिन है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, अगर मैं किसी क्वेश्चन में अटक गया, जैसे मैं मैथ्स का टीचर रहा हूँ तो कई बार होता है कि कोई क्वेश्चन गलत हो गया, कैसे होगा, कॉन्फिडेंस रखना है। गलत भी पढ़ाओगे पढ़ाना है, बच्चे टोक भी देते हैं पॉजिटिवली लेना है, घबराना नहीं है, एम्बेरेस मतलब शर्मिंदा नहीं होना है। बच्चों को आज बोलिए कोई बात नहीं, ये मेरे से गलती हो गई, कल मैं इसको पूरा ध्यान से ठीक करके लाऊंगा और आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। लेकिन ये हर बार ना हो, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, जब भी कहीं किसी भी स्कूल में आपकी जॉब लगती है और पढ़ाने जाते हो, डेली अपना लेसन तैयार करके जाएं, ठीक है।
डेली लेसन तैयार करने में मुश्किल से आधा घंटा और मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा आपको। उससे आपको क्या फायदे होंगे, एक तो आपको वो पूरा का पूरा क्रैम रट जाता है, ठीक है, आपको कंटेंट यहाँ बैठ जाता है कि क्योंकि आप तो खुद टीचर हो, आपको तो चीज़ समझ है, लेकिन एक तरह से लेसन प्लान कि आज कल मैंने पढ़ाना क्या है और कितने मिनट का ये मेरा लेक्चर रहेगा। मान लीजिए वो लेक्चर आपका ये भी प्लान करना है कि वो मेरा 35 मिनट का, 35 मिनट्स का अगर मेरा पीरियड है, मुझे उसको लगभग 25 मिनट, 30 मिनट का कंटेंट तैयार करके जाना है, लंबा नहीं खींचना है। क्यों, इसके भी कारण बताऊंगा। अब आप उसका अच्छे तरीके से तैयारी करके कर ली है तो अगले दिन आपके टिप्स भी होंगी वो चीज़ें, और मुझे नहीं लगता आपको बुक लेने की भी जरूरत पड़ेगी। तो कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाओगे और कॉन्फिडेंस के साथ आप पढ़ाना शुरू कर दोगे। और दूसरी बात, आपको नॉलेज हो चुकी है मेरा कंटेंट क्या है, कभी बीच में कोई चीज़ रह जाती है, मैंने भी लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं भी देख रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग में सारी बातें हैं, मुझे आपको बताना क्या है, लेकिन मैंने कंटेंट लिख रखा है, मेरा टॉपिक क्या है, मेरे हेडिंग्स क्या होंगे, वो हेडिंग जरूर लेके जाने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन नॉलेज पूरी लेके जानी है। अगर मान लो कोई मैथ्स का क्वेश्चन आपने करवाना है, पहले खुद घर में कर कर लेसन प्लान के दौरान, तैयारी के दौरान, कि क्वेश्चन में कोई गलती ना हो जाए, बच्चा किस तरीके से पूछ सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है, वो पूरा तैयार करके जाना, ताकि बच्चे के हर क्वेश्चन का आप आसानी से, बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दे सको, तो बच्चे भी आपका उस क्वेश्चन को, ओके सर थैंक यू समझ आ गया, आप पूछोगे समझ आ गया ना, ये ऐसे करना है, ठीक है ना, तो बोलेंगे ठीक है सर समझ आ गया। तो वहां से आप एंजॉय करना शुरू कर दोगे पढ़ाने का, ठीक है। तो पहली बात होगी कॉन्फिडेंस और दूसरी बात होगी आपको नॉलेज, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है। दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन। जब क्लासरूम में आप पढ़ाते हो, ठीक है, तो जब आप बोर्ड पे होते हो, हर वक्त पीठ करके पढ़ाना नहीं है या पीठ नहीं रखनी है, आपने जैसे थोड़ा पढ़ाया, बच्चों के सामने भी देखते रहे, और बीच में जब आप क्वेश्चन पूरा कर लिया तो आप बच्चों से कम्युनिकेट कर सकते हो, समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये स्टेप आपको समझ आ गए, ठीक है। बच्चे अगर बता, कोई बच्चा हाथ खड़ा कर सकता है, सर मुझे वो स्टेप समझ नहीं आया, तो आप उसको फिर से समझा दीजिए बड़े प्यार से, बड़ी स्माइलिंग फेस से, ठीक है, और फिर पूछ लीजिए। अभी भी किसी को परेशानी है तो बता दीजिए, क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड जब आप वो क्वेश्चन करवा रहे हो कोई भी, या समझा रहे हो कोई चीज, तो जब आप रिपीटेडली उनको बता दोगे, एक तो उनको भी समझ आ जाएगी, आपको वो नॉलेज, वो जो चीज़ है वो अगले साल के लिए रट जाएगी, अगले साल आप बिंदास, मतलब तैयारी भी शायद नहीं इतनी करनी पड़ेगी, बस मोटा मोटा देखना पड़ेगा। तो बच्चों को जब आप इस तरह से पूछते जाओगे, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, ये इस तरह से जरूर पूछना है, कम्युनिकेशन रखनी है बच्चों के साथ। किसी बच्चे को खड़ा कर दिया, हाँ जी आप बताइए, तो लगातार क्वेश्चन पूछा किसी से, एक क्वेश्चन पूछ लिया, एक क्वेश्चन करवा रहे हो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया, आज इस बच्चे से पूछा, फिर उस बच्चे से पूछा, फिर उस बच्चे से पूछा, एक ही बच्चे से लगातार ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, हर बच्चे को इन्वॉल्व करना है, हर बच्चे को मौका देना है। तो ये हो गया कम्युनिकेशन। तीसरा जो पॉइंट है, एक्सप्लेन टॉपिक इन ए सिंपल वे। अब दोस्तों जब जैसे मैं मेरा मैथ्स रहा है, तो बुक्स बहुत सारी होती हैं, जैसे आर डी शर्मा, एवरग्रीन, एस चांद, एग्जाम्पलर, NCERT। अब मान लो मैंने ट्रिक एक टॉपिक पढ़ाना है और 5 मेरे पास किताबें हैं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहली जो हमारे पूरे इंडिया में वो बुक चलती है स्कूल्स में, वो है NCERT। उसके कंटेंट इतने शानदार होते हैं मैं बता नहीं सकता आपको। बाकी बुक्स हेल्प बुक्स हैं, जैसे कि बच्चों की तैयारी करवानी है, हायर स्टडी करवानी है, वो उसके लिए है। आपने NCERT पे फोकस करना। देखो NCERT इतनी होगी और जो हेल्प बुक होगी वो इतनी होगी, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। पहले तो NCERT बुक के सारे कंटेंट अच्छी तरह से तैयार कर लो, ठीक है। जैसे कि एक्सप्लेन टॉपिक इन अ सिंपल वे, मैं एक आपको डेमो क्लास भी पढ़ाऊंगा और मैं बताऊंगा, जो खासकर हिंदी के टीचर्स हैं या SST के टीचर्स हैं, इंग्लिश के टीचर्स हैं, जिनका मैथ से लेना देना कुछ नहीं है, मैं चाहूंगा वो मेरा टॉपिक जरूर देखें जब मैं पढ़ाऊंगा, और मैं मैथ्स का कोई टॉपिक उठाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा उस टॉपिक को एंड तक, फिर मैं कमेंट बॉक्स में जरूर पूछूंगा कि किस किस को ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया, समझ आ गया, ठीक है। तो जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे इट मीन्स मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ जाएगा, और इतने सारे नॉन मैथमेटिक्स टीचर्स को इतने मेरे क्वेश्चन समझ आ गए हैं, इट मीन्स अब मैं अपने आप को गुड टीचर कह सकता हूँ कि नहीं मेरा कंटेंट समझ आ रहा है,
सेम क्लास में होना चाहिए, चाहे आप हिंदी के टीचर हो, चाहे आप संस्कृत के हो, चाहे आप SST के हो, चाहे आप इंग्लिश के हो, अगर इंग्लिश के हो हिंदी के हो तो बच्चों को स्टोरी सुनाएं, ठीक है, उससे कनेक्ट करें बिल्कुल। तो इस तरह से जो टॉपिक है बहुत टिपिकल नहीं बनाना है, आसान आसान वे में समझाना है बच्चों को, यहाँ बच्चे के जो दिमाग में वो बैठ जाए। दूसरा जो टॉपिक होते हैं, कई बार बहुत हम बुक्स बुक में कई चैप्टर चूज भी कर सकते हैं, जो इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं उनको पहले पकड़ लो ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बन जाए, क्योंकि अगर टफ टॉपिक पकड़ लोगे तो बच्चे कई बार बोर होने लग जाते हैं, जब बोर होने लग जाते हैं तो बोलते हैं नहीं यार टीचर बहुत बढ़िया नहीं है यार, बोर करता है यार। लेकिन अगर अच्छे से टॉपिक, इंटरेस्टिंग किससे टॉपिक को अगर पकड़ लोगे और समझाओगे तो एक तो आपको आपको मज़ा आएगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, इजी वाला है, और बच्चों को भी इजी सा टॉपिक जल्दी समझ आएगा, अरे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार मुझे समझ आ गया यार। तो डे बाय डे उस स्टूडेंट के दिल में आपके लिए एक तो रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी, टीचर यार अच्छा पढ़ाते हैं समझ आ जाता है। तो इजी टू एब्स्ट्रैक्ट, आसान से धीरे धीरे कठिन चैप्टर की तरफ चलते जाओ, ठीक है, तब तक बच्चे आपसे घुल मिल जाएंगे, बच्चे आपका कहना मानना शुरू कर देंगे, बच्चे आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, और इनफैक्ट फिर आप जैसे बोलोगे कि ये देखो ये टफ चैप्टर है इसमें थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बच्चे बोलेंगे कोई बात नहीं सर मज़ा आ रहा है, ठीक है, तो वो टफ टॉपिक भी उनको बाद में आसान लगना शुरू हो जाएगा आपकी टीचिंग के जरिए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है फोकस ऑन वीक स्टूडेंट। दोस्तों एक क्लासरूम में मान लीजिए 20 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, तो उनमें कुछ बच्चे जो होंगे वीक, पेरेंट्स कई बार बोलते हैं मेरा बच्चा इस सब्जेक्ट में वीक है, ये पढ़ाई में थोड़ा वीक है, ध्यान कम देता है, ठीक है, कई बच्चे वैसे भी शरारती होते हैं, नॉटी होते हैं, ये दूसरे टाइप की होगी मुश्किलें कि बच्चे नहीं पढ़ाई करते, शरारते कर रहे हैं आपस में, तो 20 बच्चों में से 5 बच्चे मान लो आपको नॉटी लग रहे हैं, उन पे फोकस जरूर करो, उनको प्यार से समझाओ, उनसे क्वेश्चन पूछो, उनको गाइड करते रहो, उनको मतलब उन पर भी फोकस रखो, 15 पे तो फोकस रखना ही है, लेकिन उन 5 की इनकी वजह से रिजल्ट खराब हो सकता है, तो इनको ठीक करना है, अच्छा बनाना है। ये अगर ये 5 बच्चे मेरे डिस्टर्ब करेंगे क्लास को तो बाकी 15 पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए इन 5 बच्चों को अच्छा करना है, इनको गाइड करना है, इनको मोटिवेट करना है, पेरेंट्स की तरह उनके साथ आप बिहेवियर करो, अपने जैसे हमारे माता पिता हमारा ख्याल रखते हैं, टीचर भी माता पिता के पेरेंट्स के बराबर होता है, आप उन्हें इस तरह से कनेक्ट करो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, जब वो वीक बच्चे या शरारती बच्चे मान लो आपकी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर देंगे, मैं गारंटी से बोलता हूँ 15 बच्चे उनसे भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पूरी क्लास का रिजल्ट नंबर वन आएगा, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी सारे बच्चे एक समान होते हैं, कोई वीक नहीं होता है, कोई स्ट्रांग नहीं होता है, सारे बराबर होते हैं, लेकिन हमारे एज ए टीचर ये श्रद्धा रहनी चाहिए, ये फोकस रहना चाहिए, ये सोच रहनी चाहिए कि सारे बच्चे हमारे लिए बराबर हैं, सारे टॉप पे टॉप कर जाएं, लेकिन क्योंकि सारे टॉप नहीं करते हैं, लेकिन सारे अच्छे अच्छे नंबर जब लेते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि यार ये वीक था पर ये ठीक चल गया, और सबसे ज़्यादा पेरेंट्स आपके बारे में लोगों को बताएंगे कि मेरा बच्चा बहुत वीक था, सिर्फ इस टीचर की वजह से मेरा बच्चा आगे बढ़ पाया है, तो ये रिवॉर्ड होता है, ये दुआएं होती हैं, ये जिंदगी में आपको किसी ना किसी मोड़ पर काम आएंगी, और हो सकता है आज टीचर हो कल को प्रिंसिपल भी आप बनोगे, ठीक है ना। तो जीवन में पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट मेरा एक कोर्स है जो मैंने चला रखा है, ट्रेनिंग मेरी पर्सनली भी चलती हैं, जिसमें मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या जीवन में ग्रोथ नहीं चाहिए आपको, तो ग्रोथ पाने के लिए बोलते हैं ना सबसे ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए सीढ़ी का पहला पायदान पूरा चढ़ो, फिर दूसरे पे चढ़ो, फिर तीसरे पे चढ़ो, चौथे पे चढ़ो, तो वो पायदान क्या है, सबसे पहले कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाना शुरू करो, ये सोच के साथ शुरू करो कि अपने बच्चे हैं, ठीक है, अपने भाई बहन हैं, ये सोच के साथ, ये नहीं सोचना अरे यार यहाँ कम सैलरी मिलती है छोड़ो यार क्या पढ़ाना यार है पर्चे पढ़ रहे हैं लीव इट यार, नो, आपको ऊपर वाले ने टीचर बना के वहां भेजा है, तो बाई चॉइस, बाई चांस नहीं, बाई चॉइस दिल से वहां टीचर बन के जाओ, दिल से देखो ऊपर वाला आपको प्रिंसिपल भी बना देगा एक दिन, आपकी सोच ही बदल जाएगी, ठीक है, लेकिन उससे अच्छी बात, सबसे बड़ी बढ़िया बात यह है कि 5 साल बाद जो बच्चा 10th में है कहीं कुछ ना कुछ कोई मान लो एग्जाम क्रैक कर जाता है, आपको पक्का कॉल करेगा सर मैं ये अफसर बन गया, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, मेरा पढ़ाया वो स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया है, ऐसे पता नहीं कितने बैच आप निकाल दोगे ऐसे,
तो वो रिवॉर्ड है हमारी जिंदगी का। पैसा सैलरी हम सर्वाइव करने के लिए हमें मिलती है, कोई भी काम कर लो, लेकिन जब हम कुछ किसी को सिखाते हैं और उसके बदले वो हमें रिस्पेक्ट जीवन भर मिलती है, ये रिवार्ड आपको जीवन में कहीं नहीं मिलेगा। ये पैसों से नहीं मिलता है, ये यहाँ से काम करने से मिलता है। कोई भी काम कर लो, जरूरी नहीं टीचिंग का काम करो, टीचिंग जॉब का काम करो, कोई भी काम करो, ईमानदारी से करो, शिद्दत के साथ करो, ये सोच के साथ करो कि ये काम बढ़िया करके मैंने निपटाना है, इसको अच्छे तरीके से करना है। तो टीचिंग लाइन में गुड टीचर के लिए सबसे पहली बात कॉन्फिडेंस इन नॉलेज, कम्युनिकेशन, टॉपिक को बड़े इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है, और वीक स्टूडेंट पे फोकस करना है। जो पांचवा पॉइंट है वो है मोटिवेट द स्टूडेंट्स विद द करियर टिप्स। देखो दोस्तों, मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, बीएड हूँ। मैं जब बच्चों को पढ़ाता था तो मैं बच्चों को बीच बीच में बताता था कि अरे यार, मेरे एक स्टूडेंट को पूछ लेते थे, सर मेरे तो नंबर 2 आए हैं, पेरेंट्स बोलते थे 2 नंबर आए हैं इसके, जी तो फेल हो जाएगा जी। तो उस बच्चे के साथ मैं कनेक्ट करता था, यार मेरे टाइम में, और ये रियलिटी है, मेरे मैथमेटिक्स में 10th क्लास में 50%, और जब मेरे इंटरव्यू होते थे बोलते सर आपके खुद के 50% है, आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे, है ना। तो जब मुझे जॉब मिल गई और बच्चों से जब मैं ये बात करता तो बच्चे बोलते थे मजाक कर रहे हो सर, आप इतने 50% आपके नंबर कैसे आ सकते हैं, आपने एमएससी की है, इतना बढ़िया पढ़ा रहे हो, लेक्चरर हो। तो हम बताते थे कि उस टाइम में गाइडेंस की कमी थी, और आज मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं आपको 50% में नहीं, मैं आपको 99 हो मतलब 90+ में ही लेके जाऊँगा, और मैं पूरा जोर लगा दूंगा कि आपको वो वक्त ना देखना पड़े। ऐसा नहीं है हमारे टाइम में हमारे टीचर हमें गाइड नहीं करते थे, हम थोड़े उतनी गाइडेंस नहीं मिलती थी मैं ऐसे कह सकता हूँ, या उतना ज़्यादा एडवांस जमाना नहीं था, इसलिए नंबर कम आते थे। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी में स्ट्रगल करना पड़ा तो समझ आएगी एजुकेशन का क्या महत्व है। तो दोस्तों, एज ए टीचर भी आप इस चीज़ को समझो, और एज ए मेंटोर भी इस बात को समझो कि आपके बच्चों को जब आप पढ़ाते हो, ठीक है, तो उनको मोटिवेट करना है अपनी लाइफ में जो आपके साथ उससे कनेक्टेड कोई चीज़ गुजरी हो। जैसे मैं मैथ्स में वीक रहा हूँ बचपन से, लेकिन बाद में मैंने नॉन मेडिकल रख लिया और एमएससी भी मैथ्स में ही करी है, ठीक है। तो जिसमें वीक था उसी सब्जेक्ट को मैंने पकड़ा, और मैंने बच्चे भी उस तरीके से पढ़ाए, और बच्चों को मैंने कनेक्ट भी किया उन चीज़ों से। दूसरा, हमने कई एग्ज़ाम दिए होते हैं ग्रेजुएशन के बाद और हमारे क्लियर नहीं होते हैं, बच्चों को बताते हैं हमारा क्लियर नहीं हुआ, गाइडेंस की कमी थी, आपको नहीं होने देंगे, इसलिए बेटा पूरी मेहनत करनी है, पूरा जोर लगा दो। तो बच्चे आपसे प्रभावित होंगे आपकी बातों से, मोटिवेट करना है अपने बच्चों को। उस मोटिवेशन में हमेशा याद रखना, उससे आपकी जीवन में, आपकी सोच में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके पढ़ाने के तरीके में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, मैं गारंटी से आपको बोल रहा हूँ ये, ठीक है। उसके बाद पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। देखो, जब आप पढ़ाते हो बच्चों को तो बच्चों में भी कई बार बच्चे हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं कि मुझे ना पूछ लें। बच्चों के साथ इस तरीके से मतलब गैप भी रखो, पढ़ाते वक्त गैप भी रखो, लेकिन कनेक्टेड भी रहो, और बच्चों को बार बार बीच बीच में से पूछते रहो, ठीक है, कम्युनिकेशन भी बना के रखो। तो अब पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, जैसे आप क्या किस तरीके से बात कर रहे हो, बच्चे आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, बच्चा धीरे धीरे आपको सुनना शुरू कर देता है, तो बच्चे की पर्सनैलिटी में भी बदलाव आता है, बच्चे के बातचीत करने के तरीकों में बदलाव आता है, बच्चे की ड्रेस सेंस में बदलाव आ जाता है। जैसा आप पहन के जाओगे वैसा बच्चा भी फॉलोअप करना शुरू कर देता है, जैसा आप समझाओगे वैसा फॉलोअप करना शुरू कर देता है, जैसा आप गाइड करोगे वैसा बच्चा फॉलोअप करना शुरू कर देता है। तो अगर अच्छा सिखाओगे तो बच्चा बाहर जाके आपको अच्छा ही कहेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उस तरीके से मतलब बहुत सीरियस नहीं लोगे तो बच्चा बोलेगा मैथ का टीचर बेकार है यार, कुछ नहीं पढ़ाता है। पेरेंट्स को बताएंगे अरे मैथ का टीचर बेकार आया हुआ है हमारे स्कूल में, तो टीचर पेरेंट्स आगे सोसाइटी में बताएंगे अरे बेकार टीचर है यहाँ पे, सोसाइटी स्कूल में बताएगी, स्कूल आपको बोलेगा सर हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद यू। उस टाइम बहुत दुख होता है कि सर बताइए कहाँ कमी रहेगी मेरे अंदर। इसलिए शुरुआत इतनी अच्छे तरीके से करो कि बच्चे आपसे मतलब आपकी अप्रिसिएशन करें, रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस, जो स्टूडेंट का आप में विश्वास बनना चाहिए कि मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, मेक लेक्चर
इंटरेस्टिंग बाई अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हम कोई लेक्चर देते हैं तो उसमें हम अपनी रियल लाइफ के एग्जाम्पल दे सकते हैं और उससे भी बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं, आपको फॉलो करते हैं, मतलब बच्चे बोर नहीं होंगे। अब मैं मैथ्स पढ़ाता जा रहा हूँ, नोट करते जा रहे हैं बच्चे, नोट करते जा रहे हैं, वो एक क्लास होगी सिंपल। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं जाऊँगा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर, तो उसमें थोड़ी अरे यार खा के नहीं आए आज, खाना नहीं खा के, मैं इतनी जोर से बोल रहा हूँ, तुम बड़े ढीले बोल रहे हो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो बच्चे भी आपको उस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो एक कम्युनिकेशन बन जाती है, एक हेल्दी सा एनवायरनमेंट बन जाता है। दूसरा, अरे यार आज ना हम ये टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है, जब पढ़ा रहे हैं पढ़ाते वक्त आप क्लास में थोड़ा रोम अराउंड भी करो, बच्चों से बात भी करो, स्टेज आप बोर्ड पे जब पढ़ा रहे हो बच्चों को नोट डाउन करने के लिए भी बोलो और बच्चों को के साथ कनेक्ट रहो इनफैक्ट। तो पूरी मतलब आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो मल्टीपल होनी चाहिए क्लासरूम में। तो इसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट है, क्योंकि मैंने बोला 7 पॉइंट है, 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वीकली टेस्ट बच्चों के जरूर लो। अब मैं जब मैथ्स करवाता हूँ या करवाता था, अब तो मैं उसके बाद मैं प्रिंसिपल रहा हूँ, प्रिंसिपल के बाद अब मैं काफी और चीजें ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ, तो वीकली टेस्ट जरूर लेना है। कुछ भी टॉपिक कोई भी आपका सब्जेक्ट है, वीकली टेस्ट जरूर लो। उससे फिर आप पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में है, बच्चे कितने पानी में नहीं है। बच्चों के अगर नंबर कम आ रहे हैं तो समझ लो कुछ कमी रह गई है, आपको ही उसको रिजॉल्व करना है, क्योंकि बच्चे आपके हाथ में हैं, बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। नंबर कम आ रहे हैं उनको मोटिवेट कीजिए और अगले टेस्ट के लिए तैयार कीजिए कि अगले टेस्ट में नंबर कम नहीं आने चाहिए। और रही बात, एक और चीज मैं बोलूंगा, क्योंकि कॉर्पोरल पुनिशमेंट बिल्कुल बैन है, बच्चों को चांटा नहीं लगा सकते, हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी अब आज की डेट में टीचर के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। टीचर को शांत भी रहना है, गुस्सा भी नहीं करना है, बच्चों को हैंडल भी करना है, रिजल्ट भी फाइंड आउट करने हैं बच्चों के लिए और बच्चों को भविष्य भी बनाना है। तो टीचर बनना इतना आसान नहीं है दोस्तों, ठीक है, इसलिए इसको बाई चांस नहीं, यार कुछ नहीं बने तो टीचर बन जाते हैं, फिर जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग आपकी अच्छी इंप्रूव होगी अगर अच्छी दिल से अगर टीच करोगे बच्चों को, दिल से अपना बच्चा समझ करके उनको टीच करोगे, पहली बार आपका कॉन्फिडेंस अप होगा, दूसरी बात आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती चली जाएगी, तीसरी बात आपका कंटेंट, आपका जो टॉपिक है, एक साल बहुत मेहनत करके अगर पढ़ाओगे अगले साल बुक खोलने की जरूरत नहीं होगी, सारा याद हो चुका होगा, तीसरे चौथे साल में तो आप चलते फिरते पढ़ा दोगे। पांचवी बात, बच्चे आपको जीवन भर याद रखेंगे, आपको दुआएं देंगे। तो आज का ये टॉपिक जो था आप लोगों के लिए था, और अगर कोई गलती हो गई हो, कोई बात बुरी लगी हो, कोई बात पसंद नहीं आई हो, उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन मेरा आज का वीडियो बनाने का जो मोटिव था वो ये था, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमें टीचिंग ट्रेनिंग दीजिए, टीचर क्या क्या को क्या क्या करना चाहिए। तो ये मेरा पहला एपिसोड है टीचर ट्रेनिंग पे, अगर अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानियां जरूर लिखें, सभी टीचर से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपनी परेशानियां अपने क्वेश्चंस जरूर लिखें और आपको क्या क्या और सीखना चाहते हैं वो जरूर लिखें। मेरा नंबर है, नोट कर सकते हैं आप, 9888850-6245, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि एक टीचर ट्रेनिंग की हम अब लिस्ट बना रहे हैं आने वाले टाइम में, ताकि उनको एक वेबिनार के जरिए भी हम और टॉपिक पे डिस्कस कर सकें। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, और आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगले टॉपिक पे नए एपिसोड के साथ नए थीम पे मैं जरूर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।